स्थान मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में एक इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं, और इसको अंतिम परिणाम तो जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के तेवर बदल गए, बॉडी लैंग्वेज बदल गई। बीजेपी पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने पर आमादा है, फायदे नुकसान का आकलन हो चुका है। देखिए, परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरे धमक के साथ अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट चुकी है। चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन बंगाल में लगे हुए हैं। अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में 11 फरवरी को हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह पिछले साल 4 नवंबर को कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनावों की समीक्षा की थी। 5 नवंबर को अमित शाह बंगाल के पश्चिमी इलाके बांकुरा भी गए थे, जहां उन्होंने आदिवासी समूहों से मुलाकात की थी। 19 दिसंबर को अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, मेदिनीपुर में उन्होंने एक रैली की थी। अमित शाह इस रैली में आई भीड़ से गदगद थे। उन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है, और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है, और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। कोरोना काल में ही अमित शाह ने 20 दिसंबर को बोलपुर में रोड शो किया। उन्होंने रोड शो में जुटी भीड़ को बीजेपी का वोटर करार दिया। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह की रैली और रोड शो के 10 दिन बाद 29 दिसंबर को ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले के बोलपुर में पदयात्रा की। टीएमसी का दावा था कि ममता की पदयात्रा में अमित शाह के रोड शो से दोगुनी भीड़ होगी। टीएमसी अपने इस दावे पर करीब करीब खरी उतरी। ममता बनर्जी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। यही नहीं, ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में वो बाउल गायक वासुदेव भी नजर आए, जिनके घर जाकर अमित शाह ने भोजन किया था। ममता बनर्जी ने पदयात्रा के बाद बीजेपी को चुनौती भी दी कि वो पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीत कर दिखाए। 200 सीटों का सपना तो बहुत दूर की बात है। ममता ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होने कोलकाता पहुंचे थे। सरकार की तरफ से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया था। कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत ममता बनर्जी भी मौजूद थी, लेकिन वहां जय श्री राम के नारे लग गए। ममता ने उस रोज थमथमाते हुए कुछ ही देर में अपना संबोधन खत्म कर दिया था। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला। नेताजी की जयंती के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई थी, तो ममता बनर्जी ने भी अपना दम दिखाया। ममता ने नेताजी के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शंखनाद किया और फिर जुलूस निकाला। इससे पहले 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी। डायमंड हार्बर के उनके काफिले पर हमला हुआ था। बुलेट प्रूफ शीशा होने की वजह से जेपी नड्डा तो उस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उसी काफिले में शामिल कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोटें आई थी।
एमएलए देवेंद्रनाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमाणिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले दो महीने में इनका मर्डर है। मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम दिए। इस मामले में गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अफसरों को समन जारी किया था। इन अफसरों को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अफसरों को रिलीज करने से इनकार कर दिया था। सियासत का जरा तकाजा देखिए, जिन अफसरों को गृह मंत्रालय ने समन भेजा था, ममता बनर्जी ने उनमें से एक अफसर राजीव मिश्रा को प्रमोशन भी दे दिया। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।